जनपद हापुड़ में लुटेरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ये बदमाश दिन दहाड़े बेखौफ होकर लूट को अंजाम देने से झिझक नहीं रहे हैं। बदमाशों ने अब सब्जी व्यापारी के एक मुनीम को अपना निशाना बनाया है और उससे 1,30,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। नेशनल हाईवे 9 पर बदमाशों की हरकत से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा है। बता दें कि मामला शनिवार की सुबह का है, जब पिलखुआ में सब्जी व्यापारी मेवालाल का मुनीम नवनीत पिलखुआ से 1,30,000 रुपए लेकर बाइक से हापुड़ की नवीन मंडी आ रहा था। मुनीम जैसे ही निजामपुर कट के पास पहुंचा तो नेशनल हाईवे 9 पर कार सवार बदमाशों ने नवनीत को रोक लिया और उससे 1,30,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। बाइक सवार नवनीत ने मामले की जानकारी पुलिस और सब्जी व्यापारी को दी। सिटी क्षेत्राधिकारी एसएन वैभव पांडे, हापुड़ कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सोमवीर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों का सुराग लगाने में जुटी है। We'll be right back.